हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में वो सब देखने को सुनने को मिलेगा जिससे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके मन की नेगेटिविटी और बाहर की नेगेटिविटी, जैसे कि आपकी बॉडी की, आपकी हेल्थ की, आपके मन की, आपके दिमाग की, बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें अपने लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले, हमारा मन बहुत पॉजिटिव रहे। इसका रिजल्ट ये आएगा कि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विफलता में ही सफलता। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब सारी चीजें आपके ऑपोजिट हो जाती है और हर तरफ से आपको निराशा ही मिलती है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एक एक्टर, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। एक एक्टर के लिए उसका ऑडिशन हो या एक बिजनेसमैन का कोई गलत फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। दोस्तों, उस वक्त हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने कहा, मोस्ट पीपल स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी गोइंग अराउंड प्रॉब्लम्स देन इन ट्राइंग टू सॉल्व देम। अर्थात, प्रॉब्लम को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा टाइम और पावर उस प्रॉब्लम से जूझने में लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सही मायने में फेलियर सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस होने से पहले कई बार लगातार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन आप फेलियर के डर से ट्राई करना छोड़ देंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो कि बिलियनर और वर्ल्ड फेमस फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सक्सेस होने से पहले हेनरी फोर्ड दूसरे 5 और बिजनेस में फेल हो चुके थे। सोचिए, अगर कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने की वजह से पूरी तरह टूट जाता, और अगर कोई कमजोर दिल का इंसान होता तो सुसाइड तक कर लेता। लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर बार फेल होने के बाद सब कुछ ZERO से स्टार्ट किया, और आज वो बिलियनर है, फोर्ड मोटर्स कंपनी के मालिक है। दोस्तों, अगर फेलियर की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिशन का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए, राइट? लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपने थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? दोस्तों, हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और अविष्कारों से वंचित रह जाते। तो दोस्तों, फेलियर सक्सेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फेलियर ही इंसान को सक्सेस होने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, मतलब जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। दोस्तों, आज सब लोग अपनी किस्मत और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझ के ट्राई करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य पर परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? अगर किसी काम में फेल हो भी गए तो क्या हुआ? ये हमारी लाइफ का एंड तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, फेलियर तो सक्सेस की शुरुआत है, इससे डरना नहीं चाहिए।
चलो आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि अगर हम किसी काम में फेल हो भी गए तो डट के सामना करेंगे पूरे जोश के साथ और सक्सेस होकर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर।